हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फूडीफाई दी ऑफिशियल में। मैं पूनम आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ हलवाई स्टाइल मिक्स वेज की सब्जी। जब भी हम कभी ढाबा, रेस्टोरेंट या फिर शादी समारोह में जाते हैं तो मिक्स वेज की सब्जी वहाँ के हमें काफी पसंद आते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हलवाई ऐसा क्या करते हैं जो इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाते हैं, साथ में सभी सब्जियाँ भी खिली खिली रहती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं हलवाई इतनी स्वादिष्ट मिक्स वेज। तो चलिए जानते हैं बिना समय गवाए इस रेसिपी को, वो भी आसान और सरल तरीकों से। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। मिक्स वेज सब्जी बनाने के लिए हमने लिए हैं फूल गोभी, कटे हुए गाजर, आलू, बीन, शिमला मिर्च और हरी मटर। हरी मटर जिसे हमने पहले ही हल्के उबाल लिया है। यहाँ हमने सभी को एक एक कटोरी लिया है। तो चलिए अब सभी को बारी बारी से हम फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे फूल गोभी। इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। गोभी का कलर जब हल्का से डार्क हो जाए तो इसे निकाल लेंगे। अब हम आलू को फ्राई करेंगे। आलू को भी 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद जब आलू का कलर हल्का सुनहरा हो जाए तो उसे निकाल लेंगे। यहाँ आप ध्यान दें कि जब भी आप ये सारी सब्जियां को फ्राई करें, गैस की फ्लेम को हाई ही रखें। आलू को फ्राई करने के बाद कटे हुए गाजर को फ्राई करेंगे। गाजर को 1 से 2 बार तेल में चला लेने के बाद इसे तेल से निकाल लेंगे। गाजर को फ्राई करने के बाद अब हम शिमला मिर्च को फ्राई करेंगे। शिमला मिर्च को भी 1 से 2 बार तेल में चला लेने के बाद इसे निकाल लेंगे। शिमला मिर्च को फ्राई करने के बाद अब हम फ्राई करेंगे बीन्स। बीन्स को 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद जब इसका कलर चेंज होकर डार्क हो जाए तो इसे निकाल लेंगे। सभी सब्जियों को फ्राई करने के बाद अब इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमने उसी कढ़ाई का इस्तेमाल किया है जिसमें हमने सारी सब्जियों को फ्राई किया था। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ साथ सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो करें, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल ले लिया है। जब तेल गर्म हो जाए तो तड़के में डालेंगे तेज पत्ता और जीरा। इनको 1 से 2 बार तेल में चलाने के बाद इसमें डालेंगे 1 प्याज बारीक कटे हुए। प्याज को तेल में अच्छे से भून लेंगे। जब प्याज का कलर सुनहरा हो जाए तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक के पेस्ट को प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे जिससे कि इसका कड़वापन निकल जाए। अब इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटे हुए। हरी मिर्च को इन सभी के साथ 1 से 2 बार चला लेंगे। इन सभी के भून जाने के बाद अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सभी मसालों को अच्छी तरह से भून लेने के बाद इसमें डालेंगे 1 टमाटर की प्यूरी और नमक स्वाद अनुसार।
टमाटर प्यूरी को सभी मसाले के साथ तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट न हो जाए। आप देख सकते हैं कि सारे मसाले कितनी अच्छी तरह से भून चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाले को 3 से 4 बार चला लेने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। यहाँ हमने गर्म पानी का यूज किया है। पानी डालने के बाद इसमें डालेंगे थोड़े से कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को इन सभी के साथ मिला लेने के बाद अब इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए सब्जियां। इन सब्जियों को मसाले के साथ अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे हरी मटर जिसे हमने पहले ही उबाल रखा था। अंत में अब सभी सब्जियों को 3 से 4 बार चला लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी सारी सब्जियां पक भी चुकी है और साथ में कोई टूटे भी नहीं है। तो तैयार है स्वादिष्ट पार्टी वाली हलवा स्टाइल वाली मिक्स वेज सब्जी। आपने देखा ना इसे बनाना कितना आसान है। तो इसे इस तरह से एक बार आप इस रेसिपी को बनाइए, देखिएगा हर कोई आपकी तारीफ किए बिना नहीं रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फूडीफाई दी ऑफिशियल के अगले वीडियो में एक शानदार और चटपटी रेसिपी के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।